फायदा नहीं चले है। और चले, कुछ कोई है? नहीं, सही मुस्लिम 1765 जरा पेश करें, इंटरनेशनल नंबरिंग से 1765 है। जिल खलसा वाली रिवायत है? नहीं, जुल अच्छा, खलसा नहीं है वो, जुल और कौन खलसा सी नहीं है है? जनाब। अच्छा, कौन सी है? ओहो, लाइट भी नहीं जा रही मेरी तरफ, मेरी तरफ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ जी। जी, सही हाजी, तो मुस्लिम इंटरनेशनल नंबरिंग 1765। 1765, 65। एक मिनट, दो चार मिनट और हैं भाई, फिर उसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये जी तो अब आपको 3 दिन तक कोई जी बांधना है, हमारे पास इतना सुतून भी नहीं है नहीं, कोई दिक्कत जी। नहीं, वो तो देखो पब्लिक ने जो हाँ सुनना था वो तो सुन लिया, कोई मसला नहीं उसमें। जी, इसका भी वही जवाब है भाई, इसका भी वही जवाब है जो मैं दे चुका हूँ। चलो खैर, ये वाली क्या हदीस भी है, मेरे पास मौजूद थी। चलो हदीस पढ़ो, पढ़ो आप, पढ़ो, मेरे मैं पढ़ सामने अरबी देता आ हूँ गई है। हाँ तर्जुमा। हाँ हाँ, आपके सामने तो अरबी आएगी ना जनाब, दिक्कत ये है, हाँ तबलीग के इंग्लिश भी लिए है, सब इंग्लिश भी है, चलेगा। मेरे सामने इंग्लिश भी है, नो नो टेंशन, पढ़ो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, एक बार हम मस्जिद में थे कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और फरमाया, यहूद की तरफ चलो। हम आपके साथ निकले, हत्ता कि उनके यहाँ पहुंच गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, बुलंद आवाज से उन्हें पुकारा और फरमाया, ए यहूद की जमात, इस्लाम कबूल कर लो, सलामती पाओगे। उन्होंने कहा, ए अबुल कासिम, आपने पैगाम पहुंचा दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, मैं यही चाहता हूं, इस्लाम कबूल कर लो, सलामती पाओगे। उन्होंने कहा, ए अबुल कासिम, आपने पैगाम पहुंचा दिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, मैं यही चाहता हूं। आपने उनसे तीसरी मर्तबा कहा और फरमाया, जान लो, ये जमीन अल्लाह और उसके रसूल की है, और मैं चाहता हूं कि तुम्हें इस जमीन से जिला वतन कर दूं। तुम में से ठीक। जिसे अपने माल के औज कुछ मिले तो उसे फरोख्त कर दे, वरना जान लो कि ये जमीन अल्लाह और उसके रसूल की है। क्या बिल्कुल। है ये? अरे यार, इतनी लंबी हदीस पढ़ने से बेहतर था आप एक मुख्तसर हदीस बताता हूँ आपको। मैं खुद दलील दे रहा हूँ कि मेरे खिलाफ कौन सी दलील दो। एक मशहूर हदीस है, अखरिजुल यहूदा व नसारा मिन जजीरतुल अरब। अब बताओ इससे वाज़ह हदीस क्या होगी कि यहूद और नसारा को जजीरतुल अरब से निकालो। एक जुमले के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी बात बता दी। इतनी लंबी हदीस पेश करने की जरूरत ही नहीं थी, कुछ तो तैयारी करके आना जरूरत चाहिए थी था ना, यार। जरूरत थी। अभी आपने आयत बताई थी कि तो क्या आप उनको मजबूर करोगे? यहां मजबूर नहीं किया जा रहा तो क्या किया जा रहा है? इस्लाम कबूल करने पर, इस्लाम कबूल करने पर, इस्लाम ही कबूल करने पे के लिए मजबूर किया जा रहा है उसे, देख रखो सही डिस्प्ले पे। एक मिनट, इस्लाम कबूल करने पर अगर वो मजबूर हुए तो क्या उन्होंने इस्लाम कबूल किया? इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है उन्हें। इस्लाम कबूल किया उन्होंने? अब आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिलहाल ये तो मजबूर किया नहीं, जा रहा है ना। आपको ये, आपको इस हदीस से साबित करना पड़ेगा ना कि उनको मजबूर किया गया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। बताओ, साबित करो, इससे कहां कबूल साबित हो रहा है? किया ना, क्यों की बात है, मजबूर किया जा तो रहा भाई है या नहीं? फोर्स कन्वर्जन जब ही तो साबित होगा। इसमें तो दावत दी जा रही है और इस हकीकत को बयान दावत किया जा रहा है दी कि ये जा जो बिल्कुल असलिमु तसलमु, दावत दी जा रही है। और इस, और ये मैं नहीं कह रहा रही हूं, ये तो यहूदी कह रहे हैं, कद बल्लगत या अबुल कासिम। अब उसी हदीस में लिखा नहीं। हुआ है कि अबुल कासिम, आपने बात पहुंचा दी। यहूदी भी यही समझ रहे थे कि दावत दे रहे हैं, लेकिन मिर्जा गालिब नहीं समझ रहे। मिर्जा गालिब कह रहे हैं फोर्स कन्वर्जन हो रहा। नहीं, हुजूर ने कहा कि मैं भैया यही चाहता आप हूं, हुजूर मुझे ने बताओ, कहा, इसे आप डिस्प्ले करते हैं। यहूदियों के ऊपर एतमाद करें या कट्टर मुनाफिक के ऊपर एतमाद करें? किस पर एतमाद करें? नहीं, उसे आप डिस्प्ले पे तो हाँ, रखें, इस हदीस के ऊपर डिस्प्ले पे तो रखें। रुक जाइए रुक जाइए, मैं डिस्प्ले पर लेकर हाँ, आता हूँ इस रखिए हदीस जरा को। एक मिनट एक बैठे। मिनट, मैं तो इसी हदीस से साबित करूंगा कि फोर्स कन्वर्जन नहीं हुआ, इसी हदीस से साबित करेंगे। रुको एक मिनट। माशाल्लाह, बड़ी तादाद लोग देख रहे हैं, शेयर करते रहे दोस्तों, हाँ माशाल्लाह टू भाई, थाउजेंड प्लस इस पर लोग देख माशाल्लाह रहे हैं हमारे। माशाल्लाह माशाल्लाह, जी जी अरे, जी हमने जी खुद पब्लिक को कहा था कि देखना जरूर। आप ही की वजह से हाँ तो आए हैं, वरना हमारी तो कोई औकात है ही नहीं, सारे तो आप हाँ ही की वजह से डबल आए डबल स्टीम। अरे, जो हमारी तरफ वाले हैं जनाब, क्यों अपने ऊपर जबरदस्ती बात को ले लेते हो आप? जी। थोड़ा जी सा मजाक करने दिया करो यार, आज तो आप फंसे हो इतने दिन के बाद। अच्छा देखो देखो, यहां पर ये देखो क्या लिखा हुआ है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये रहा, यहां से, या माशरा यहूद अस्लिमू तस्लमू, ए यहूदियों की जमात इस्लाम कबूल कर लो, अमन में रहोगे। और फकालू कद बल्लगत या अबुल कासिम, उन्होंने कहा कि ठीक है ए अबुल कासिम, आपने अपनी बात पहुंचा दी, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। फकाल लहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ालिका उरीदु, ये तो मैं कह रहा हूं कि इस्लाम कबूल कर लो। तो फकालू कद बल्लगत, आपने अपनी बात पहुंचा दी, आपने कहा कि हाँ मेरा मकसद, ज़ालिका उरीदु, ज़ालिका उरीदु,
यही मेरा मकसद है कि मैं अपनी बात पहुंचा दूं। उसके बाद आपने साथ में एक एडिशनल बात ये जरूर बताई, उनको पहले ही बता दिया कि ये जो पूरी जमीन है जजीरतुल अरब, जजीरतुल अरब नाम क्या है उसका, क्या बोला मैंने, जजीरतुल अरब, जजीरतुल अरब, न यहूद अरब थे न नसारा अरब, यहूद को यहूद कहते हैं नसारा को नसारा, न जजीरतुल यहूद है वो, न जजीरतुल नसारा है वो, जजीरतुल अरब है। तो जजीरतुल अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो खास इलाका है यहां पर सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का निजाम कायम होगा, और उसकी एक वजह है कि निजाम क्यों कायम होगा और दूसरी दूसरे किसी निजाम को बर्दाश्त क्यों नहीं किया जाएगा। उसके लिए मैं आपको दलील देता हूं और कुरान से देता हूं, मैं कुरान और हदीस से इंशाल्लाह। पहले आप ये बताएं उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है या नहीं। अरे रुको रुको रुको, इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है या नहीं, सबर करो सबर करो। अच्छा देखो 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 ये देखो मेरी स्क्रीन सामने आ गई है, ये देखो देखो भाई सब लोग देख लें, ये है कुरान की वो आयत, एक मिनट एक मिनट, ये है कुरान की ये आयत, हाँ जी सूरह नंबर 3 आले इमरान आयत नंबर 96, अल्लाह ताला फरमाता है इन अव्वल बैत वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिलआलमीन, surely the first house of worship established for humanity is the one at Bakkah, yani Makkah, a blessed sanctuary and a guide for all people, yani urwe zameen par Allah ka sabse pehla ghar agar kahin bana hai to jaziratul arab mein bana hai, to batao zameen Allah ki hogi nahi hogi ya yahudi ki hogi, to matlab jaziratul arab matlab ye Makkah hi sirf jaziratul arab hai ya pura matlab bhai, Makkah hi ho gaya jazirat, isliye to kehte hain jaziratul arab, जज़ीरतुल यहूद कहते हैं वरना जज़ीरतुल नसारा कह देते, आपने बोला जज़ीरतुल यहूद जज़ीरतुल नसारा, मैं तो ये लफ्ज़ ही पहली बार सुन रहा हूं कि जज़ीरतुल यहूद क्या होता है, ये तो मैं कह रहा हूं क्या होता है, वही होता है जो इज़राइल है, इज़राइल है कि नहीं है, इज़राइल है कि नहीं, वो यहूद है, वो जज़ीरतुल यहूद, इज़राइल का नाम इज़राइल क्यों है, चूंकि बनू इज़राइल है वो, तो उन्होंने इज़राइल रख लिया अपना नाम, अब मुझे बताओ इसमें क्या हमें एतराज है, हम ये कहेंगे कि इज़राइल रखो तुम अपना नाम, अपना नाम तुम जो है अपना नाम तुम जेकब रखो, अपना नाम तुम मोसेस रखो इस मुल्क का, उन्होंने इज़राइल रखा चूंकि बनू इज़राइल है, इसका मतलब ये इसलिए रखा चूंकि वो ये समझते हैं कि यार ये हमारी लैंड है इसलिए इसमें नाम हमारा होना चाहिए इज़राइल, हालांकि हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम तो उनको नाजायज काबिज बोलते हैं, लेकिन जब जजीरतुल अरब अरबों का है ठीक है, तो इसमें निजाम फिर वही होगा जो अरबों का सबसे पहले जो अरबों को दिया गया, अरब मतलब इसमें वही निजाम जारी होगा जो अरबों को दिया गया, और कुरान से मैंने ये साबित कर दिया कि रुए जमीन पर सबसे पहला घर बना तो उस इलाके के अंदर बना है, लल्लज़ी बिबक्का था मुबारक व हुदल लिलआलमीन। अच्छा जी अब मैं आपको बताता हूँ कि उस आयत से मैं कैसे साबित कर रहा हूँ कि फोर्स कन्वर्जन, उस हदीस से आयत से नहीं, मैं कैसे साबित कर रहा हूँ कि फोर्स कन्वर्जन नहीं हुआ, देखो मैं उसी हदीस से साबित करूंगा कहीं और नहीं जाऊंगा ठीक है। ये देखो आज जो है माशाल्लाह जरा बात हुई है बड़े दिन के बाद, देखो भाई आप इस हदीस से, आपके इस हदीस के पेश करने का मकसद फोर्स कन्वर्जन को साबित करना था ना, यही था ना, इस्लाम में आने के लिए फोर्स करना, फोर्स कन्वर्जन को साबित करना था ना, हाँ या ना, हाँ या ना, चले बोले हाँ, साबित करो इस हदीस से, बताओ किधर लिखा है फोर्स कन्वर्जन हो गया, साबित करो उन्हें इस्लाम में आने के लिए फोर्स किया जा रहा है या नहीं, नहीं किया जा रहा, रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मैं, यहूद ये कह रहे हैं, यहूद भी यही कह रहे हैं कि कद बल्लगता, आपने अपनी बात पहुंचा दी, आपका काम तबलीग करना है, यहूद कह रहा है, यहूद जैसे यहूद बे बहबूद कह रहा है, लेकिन मिर्जा गालिब नहीं समझ रहा है, वाह भाई वाह, उस पर हुजूर ने क्या कहा, उस पर हुजूर ने क्या कहा, उस पर हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये स्टेटस बयान कर दिया उस इलाके का कि देखो जजीरतुल अरब में, हाँ उस इलाके का ये स्टेटस है कि ये इलाके पर, यहाँ इलाके पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का निजाम चलेगा, यही वजह है मैं बता देता हूं आपको कि यहूदियों ने इस्लाम मुकम्मल तरीके से कबूल नहीं किया, तैमा और अरीहा एक जगह है जो जजीरतुल अरब के किनारे पर है, वहां उनको सेटल कराया गया कि तुम यहां रहो, और वो भी इस्लामी हुकूमत में ही थे, इस्लामी हुकूमत से उनको निकाला नहीं गया, उनको इस्लामी हुकूमत में बाकी रखा गया तैमा और अरीहा में, आपको पता भी है, अगर फोर्स कन्वर्जन होता, एक मिनट, अगर फोर्स कन्वर्जन होता, अगर फोर्स कन्वर्जन होता तो उनको रिलोकेट ना कराया जाता, बल्कि यह कहा जाता देखो भैया जा किधर रहे हो, ये रही तलवार, किधर जा रहे हो, पढ़ो कलमा,
ठीक है, मतलब ये जो बोला जा रहा है फोर्स नहीं है, ये बोला जा रहा है कि अगर इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो आपको यहां से निकाल के फेंक दिया जाएगा, फोर्स कन्वर्जन नहीं है ये, ऐसा है लेट द पीपल डिसाइड, ठीक है, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। आज आप इस नियत से आए थे, मुझे मालूम है, कोई नहीं कोई नहीं, मुझे मालूम है ये साहब आज बैठे हुए एक स्ट्रीम पर कह रहे थे, एक साहब ने मुझे जो है वो वीडियो भेजी कि मैं तो एक ऐसी दलील लेकर जा रहा हूं मुफ्ती साहब को पहले ही विकेट में, पहली बॉल में बोल्ड कर दूंगा।